जमीन सर्वे फॉर्म में इन गलतियों को करने से बचें, वरना एक गलती भी पड़ सकती है भारी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इन दिनों बिहार में जमीन सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। जमीन सर्वे को लेकर सभी अंचल कार्यालयों और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया जा रहा है और साथ में अभियान भी चलाया जा रहा, ताकि लोगों के मन में किसी भी तरह की शंका ना रहे। बावजूद इसके भी बिहार में हो रहे जमीन सर्वे में अधिकांश लोग जमीन सर्वे के फॉर्म में कई गलतियां कर रहे हैं। शायद वे इस बात से बेखबर हैं कि सर्वे फॉर्म में एक भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है। जमीन सर्वे में ऑनलाइन और अंचलों में बने शिविरों में ऑफलाइन के माध्यम से अब तक 38 लाख से भी ज़्यादा रैयतों द्वारा दस्तावेज जमा किए जा चुके हैं। बता दें कि सर्वे फॉर्म में सबसे ज़्यादा गलतियां स्व घोषणा प्रपत्र यानी फॉर्म 2 में जमा किए गए जमीन से संबंधित विवरणों में किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि जमीन से संबंधित विवरण को भरने के बाद अपने दस्तखत करके जमा करने वाले सर्वे फॉर्म में रैयतों के नाम, खाते की संख्या, जमाबंदी की संख्या आदि सहित दूसरे किसी भी कॉलम में वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जितने भी रैयतों के नाम खतियान में मौजूद हैं उन सभी को ही अपने नाम फॉर्म 2 में दर्ज करके जमा करने होंगे। ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं कि सर्वे फॉर्म में जो प्रमुख व्यक्ति है या जिनका नाम सबसे ऊपर दर्ज है, वे उनका नाम लिखने के बाद वगैरह या फिर आदि लिख दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने खाते की फॉर्म संख्या भरने में भी गलतियां कर रहे हैं, जबकि सभी खाता और प्लॉट की संख्या को लिखना अनिवार्य है। जिन लोगों ने भी इस प्रकार से स्वघोषणा पत्र को गलत तरीके से भरकर जमा कर दिया है, वे फिर से इस प्रपत्र को सही तरीके से भरकर दोबारा जमा कर सकते हैं। यदि किसी स्थिति में ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो वैसे लोग जिनसे इस तरह की गलतियां हो चुकी हैं, वे दावा, आपत्ति या भूल सुधार के वक्त वगैरह शब्द के जगह पर दस्तावेज में दर्ज सभी रैयतों के नाम, सभी खाते तथा प्लॉट नंबर को दर्ज करें, क्योंकि ये अनिवार्य है। जमीन सर्वे से भूमि से संबंधित पूरे विवरण को भरकर प्रपत्र 2 में और वंशावली का विवरण प्रपत्र 3 में भरकर जमा करने का प्रावधान बनाया गया है। इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन मौजूद है, यदि कोई चाहे तो डाउनलोड करके भर सकता है और फिर इस फॉर्म को भरने के बाद अपलोड भी करना है। कई बार प्रपत्र 2 में रैयतों के नाम और जमीन का विवरण और अन्य जानकारी भरने के लिए कॉलम का स्थान छोटा पड़ जाता है और लोग आधी अधूरी जानकारी ही भर देते हैं। इस तरह से कम जगह होने की वजह से आधी अधूरी जानकारी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग इसमें मिलता जुलता फॉर्मेट कंप्यूटर पर या हाथ से भी अपने ज़रूरत के अनुसार कॉलम बनाकर अपलोड कर सकते हैं। वंशावली या वंशवृक्ष को भी इस प्रकार से सादे कागज़ पर बनाकर अपलोड किया जा सकता है। केवल ध्यान दें कि वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कई लोगों को जमीन के कागजातों को अपलोड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर लोगों का फाइल के आकार की वजह से दिक्कत हो रही है। लोग सीधा ही कागजातों की फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दे रहे हैं और फाइल के साइज पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मानकों के हिसाब से फाइल का साइज सिर्फ 3 MB तक ही होना चाहिए। अगर फाइल में साइज 3 MB से ज़्यादा है तो फाइल अपलोड नहीं होंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कि आपकी तरफ जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।